नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनीज के बारे में जो आपके शेयर को डबल करने जा रही है, मतलब आपके 1000 शेयर पर 1000 शेयर आपको बिल्कुल फ्री देने जा रही है। कंपनी के हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कंपनी हमारा एसएम टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर की कंपनी है, कंसल्टिंग आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी। और यहाँ पर बात करें तो देखते हैं 30 दिसंबर को बोर्ड मीटिंग हुआ था जिसमें से बोनस अनाउंस किया गया और बोनस का रिकॉर्ड डेट एक्स डेट क्या होगा अभी मतलब कंफर्म नहीं है, जल्द ही अनाउंस हो जाएगा। तो ये कंपनी जो है आपको 1:1 का बोनस देने जा रही है और ये न्यूज आ चुका है, एक्स बोनस डेट जल्द ही डिफाइन हो जाएगा। तो इस कंपनी के हम फंडामेंटल को भी जानेंगे। सबसे पहले आप कॉर्पोरेट एक्शन में देख लीजिए, जो कंपनी है 2020 में तीन बार डिविडेंड दी है, 2020 में तीन बार डिविडेंड, 2019 में एक बार, 18 में दो बार, तो अच्छी खासी कंपनी है। एक छोटी सी माइक्रो कैप कंपनी है लेकिन दोस्तों डिविडेंड भी देती है और फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। इसके फंडामेंटल्स को भी जान लेते हैं। तो skinner.in पर आप यहां पर देख सकते हैं मार्केट कैप मात्र 103 करोड़ है, मतलब एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसमें आपको रिवार्ड तो बहुत अच्छा मिलता है, साथ ही साथ रिस्क भी इस कंपनी में काफी होता है। अभी आप देखें कंपनी सर्किट के साथ ऊपर जा रही है, जैसे बोनस शेयर का न्यूज आया तो ये कंपनियां उतनी ही तेजी से नीचे भी जाती है। इन दोनों बातों को आपको ख्याल रखना है। ट्रेड प्राइस देख लीजिए 205 रुपीज है और अगर 52 वीक हाई लो की बात करें तो 50 रुपीज इसका लो प्राइस है और हाई प्राइस 205 रुपीज है, जो कि ये सर्किट के साथ पिछले दिन क्लोज हुआ है। लगातार सर्किट देखने मिला है कि क्योंकि बोनस अनाउंस हुआ है, तो दोस्तों बता दें बोनस उन्हीं लोगों को बेनिफिट करता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड होता है। अभी आप अगर बोनस के लिए इस शेयर को खरीदते हैं, अगर शेयर का प्राइस नीचे आ गया तो आपको लॉस हो जाएगा। तो बोनस का फायदा उन्हीं को होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं। लॉन्ग टर्म के रूप में उनका शेयर काफी मल्टीप्लाई होता है। जब शेयर मल्टीप्लाई होता है तो कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर जाने से उनका जो पर शेयर प्राइस होता है वो काफी तेजी से बढ़ता है। तो जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा आपका और प्राइस भी बढ़ेगा तो काफी ज्यादा मतलब बेनिफिट्स होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को। अगर पी की बात करें तो 10.6 इसका पीई है, जबकि इंडस्ट्री का पीई 22 है। तो पी के अगर बेसिस पे कहें तो काफी सस्ता वैल्यूएशन पे ये शेयर आपको मिल रहा है, मात्र 10.6 के पीई पे। तो पी के हिसाब से ये स्टॉक्स अभी काफी मतलब चीप वैल्यू आपको उपलब्ध है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 61.8% है और फेस वैल्यू की बात करें 10 है, तो फेस वैल्यू भी आने वाले समय में स्प्लिट हो सकता है, तो उसका भी काफी बेनिफिट मिल सकता है शेयर होल्डर को। डिविडेंड की बात करें तो 1.95% है, लेकिन दोस्तों 2020 में कंपनी काफी ज्यादा डिविडेंड पे की है इसलिए डिविडेंड यील्ड आपको काफी ज्यादा दिख रहा है। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 20 रुपीज अर्निंग पर शेयर है, तो अर्निंग पर शेयर भी कंपनी काफी अच्छी है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की काफी बेहतरीन है, 636% का प्रॉफिट ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट 10 करोड़ का है, जबकि कंपनी के ऊपर डेट जो है 22.5 करोड़ का है और रिजर्व जो कंपनी के पास 50 करोड़ का है और कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो है वो है 15 करोड़ का। तो दोस्तों अच्छी खासी कंपनी है, डेट कंपनी का 22 करोड़ है, तो जबकि 10 करोड़ का प्रॉफिट है तो थोड़ा सा डेट जो है थोड़ा सा ज्यादा है। प्लेस्ड प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, तो ये ओवरऑल एक फंडामेंटल एनालिसिस है इस कंपनी का जो कि ठीक ठाक है। तो कंपनी अच्छी खासी है, फंडामेंटल्स अच्छी है, सिर्फ एक दिक्कत है कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट है क्योंकि एक माइक्रो कैप कंपनी है और कंपनी के पास रिजर्व भी उतना ज्यादा नहीं है, मात्र 50 करोड़ का रिजर्व है। अगर कंपनी के टेक्निकल चार्ट की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए टेक्निकल चार्ट आप सिंपली जो है गूगल में भी देख सकते हैं। गूगल में कंपनी का नाम टाइप करना, एसएम टेक्नोलॉजी, आगे शेयर लगा देना है, आपको जो है उस कंपनी का चार्ट आपको यहां पर मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो देखते हैं कंपनी का जो चार्ट है वो टेक्निकली काफी सॉलिड दिखता है, लेकिन दोस्तों कंपनी का जो शेयर का प्राइस है काफी अप्स एंड डाउन हुआ है। कंपनी देखते हैं काफी तेजी देखने मिलता है, कभी काफी ज्यादा इसमें गिरावट देखने मिलती है। तो कंपनी फंडामेंटली जो है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कंपनी में इतना ओवरऑल आपको देखते हैं अप्स एंड डाउन क्यों दिखता है, क्योंकि एक माइक्रो कैप कंपनी है। माइक्रो कैप कंपनी है मतलब इसका काफी कम शेयर्स है, मतलब जो लिक्विडिटी है काफी कम है। जब लिक्विडिटी काफी कम है तो इसे जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ज्यादा ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब ह्यूज क्वांटिटी में शेयर को जैसे वो बाय करेंगे तो मार्केट में शेयर काफी कम बच जाएगा, तो डिमांड होने पर शेयर का प्राइस काफी ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने के बाद वो सारा का सारा शेयर वहां पर डंप कर देंगे, मतलब सारा का सारा शेयर जो कोई एक बड़ा प्लेयर खरीद के रखा है वो सेल कर देंगे, तो शेयर का प्राइस एकाएक क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से जो माइक्रो कैप कंपनियां होती है उसमें आपको नीचे के लेवल पर एंट्री करना है। जैसे ये शेयर प्राइस देख सकते हैं काफी हाई हो चुका है, आपको यहाँ पर एंट्री नहीं लेना है,
अब बोनस शेयर के बाद जो है कंपनी का लिक्विडिटी थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर से 2 times हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ शेयर से 2 times हो जाएंगे तो और शेयर का प्राइस थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो कंपनी का जो लिक्विडिटी है, मार्केट कैप है, वो काफ़ी इंक्रीज होगा। तो नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होने से लिक्विडिटी इंक्रीज होगा, शेयर का प्राइस और ऊपर जाता है, तो एक बड़ा कैपिटल का जरूरत पड़ेगा किसी को भी बड़ी क्वांटिटी में शेयर को खरीदने के लिए। तो दोस्तों याद रखना है, ये कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है, कंपनी अच्छी खासी है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, थोड़ा सा कंपनी के ऊपर डेट है। तो ओवरऑल ये हमारा व्यूज था। अगर आप बोनस शेयर के खरीदने जा रहे हैं तो सतर्क हो जाए, क्योंकि कंपनी अपने ओवरऑल जो मतलब कंपनी का ऑल टाइम हाई है, शेयर का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। बोनस शेयर के लिए आपको बाय नहीं करना है। अगर पहले से कोई इन्वेस्टेड है तो उन्हें बोनस शेयर का काफी बेनिफिट्स होने वाला है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे।